नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले पाती है। हम लाख गुना प्रयत्न करते हैं कि हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, लेकिन किसी न किसी कारण वह समस्याएं बनी रहती है और हमें बर्बादी की तरफ लेकर चली जाती है। तो दोस्तों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज का यह उपाय आपकी उन सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। दोस्तों, जिस प्रकार आप जानते हैं पहले के समय जिन्न होते थे और जिन हमारी सारी समस्याओं को समाप्त कर देते थे, जो हम मांगते थे वह हमें मिल जाता था और जो हमारी इच्छा होती थी उसके अनुरूप जिन काम करके हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते थे। और दोस्तों, आप कहेंगे क्या आज के समय भी ऐसा होता है कि आपको भी कोई जिन प्राप्त होगा? तो दोस्तों, निश्चित तौर पर संभव है। अगर आप हमारे द्वारा यह विधि बताएंगे तो दोस्तों, जो मर्द लोग हैं वह भी आपका काम बनाने के लिए राजी हो जाएंगे और आपका काम वो 100% बनाएंगे इस उपाय के माध्यम से। तो दोस्तों, आज का ये उपाय है किसी मुर्दे व्यक्ति के साथ उस काम को करवाने का। इसको करवाने के बाद आपके जीवन के अंदर असीम फायदा देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं उपाय की। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहला, दोस्तों आप जानते हैं पीपल, जो कि हिंदू धर्म का पूजनीय पौधा माना जाता है। पीपल के ऊपर के भाग के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, कितने भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है, किसी प्रकार की दुखद शक्तियां होती है, तो वह पीपल की जड़ों के अंदर समाहित रहती है। अगर आप चाहते हैं कोई सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति आपकी गुलाम बन जाए और गुलाम बनने के कारण आपका हर काम करें, तो दोस्तों आप यह काम निश्चित तौर पर कर पाए। आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। पीपल के नीचे खड़े हो जाएं और पीपल के नीचे खड़े होने के बाद आपको एक काम करना है। पीपल की जड़ है जो 7 अलग अलग जगह से आपको तोड़ लेनी है। उसे तोड़ने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, उस जड़ के ऊपर एक के ऊपर लाल धागा, दूसरे के ऊपर हरा धागा, तीसरे के ऊपर पीला धागा, चौथे के ऊपर काला धागा, इस तरह से आपको क्रम बनाकर आपको धागे बांध देने हैं। और उसके बाद कहना है, हे प्रीत, पिचास, दीव, दूत, गण आदि मम कार्यम पुरुम पुरुम, इस मंत्र को आपको जोड़ना है और बोलते हुए आप क्या करें, उन जो जड़ हैं उनकी आपको माला बना देनी है। अब दोस्तों, आप माला बनाने के बाद उन सारी चीज़ों को लेकर आप बैठ जाएं और आपको एक अंधेरी रात के अंदर आपको एक नारियल जलाकर तप करना है। और उसके बाद जो आपने पीपल की जड़ें ली हैं उसको अपने माथे से 7 बार ओसारे और उस दीपक के ऊपर से 7 बार ओसारने के बाद उस दीपक की आपको उसके अंदर वह सारी लकड़ियां जला दें। और उसके बाद आप अदृश्य शक्ति से कहें, आपके जो भी काम है, जो भी किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं उसके बारे में अदृश्य शक्ति से बात करें। दोस्तों, आप देखेंगे निश्चित तौर पर आपके वह काम हो जाएंगे, आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलेगा और जो लाख गुना प्रयत्न करने के बाद भी आपके काम नहीं बन पा रहे थे वह बनने लग जाते हैं। दोस्तों, एक और शक्ति है जो आपका काम बना देती है। दोस्तों, क्या करें कि शमशान भूमि के पास और शमशान भूमि 3 तरह की अलग अलग शमशान भूमि की मिट्टी आपको अपने घर के अंदर लेकर आ जानी है। लेकर आने के बाद क्या करें, उस मिट्टी को आप गीला कर लें पानी के साथ, गंगाजल के साथ या घी के साथ, आपको उन्हें किसी भी एक चीज़ के साथ गीला कर लेना है। और उसके बाद उसके अलग अलग आपको 3 पिंड बनाने हैं। जब 3 पिंड बन जाएं तब आपको क्या करना है, 3 पिंड को लेकर आपको अपने घर के अंदर चले जाना है। और घर के अंदर चले जाने के बाद आपको उन पिंडों को एक साथ एक दूसरे को ठपकाना है। ठपकाने के बाद आप उसके अंदर से अपने आप ही प्रकाश निकलता देखेंगे। उस प्रकाश से आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं वह आपको मांग लेना है और कहना है कि मेरे उन कामों को पूरा करें, ताकि आपके जीवन के अंदर कोई समस्या है तो वह नहीं रहे, आपके जीवन के अंदर से समुचित काम बना रहे, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। और प्रार्थना करने के बाद भगवान देखेंगे निश्चित तौर पर वह दूत बन जाएगा। जो नकारात्मक शक्ति होगी वह आपके लिए सकारात्मक हो जाएगी, वह आपका कहना मानने वाली हो जाएगी और वह आपके हर काम को करने वाली हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें
कि आपकी जो सही ज़रूरत है उसे ही पूरा करने के लिए करें, किसी व्यक्ति का नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप ये उपाय करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए उल्टा पड़ जाए। इसीलिए आप किसी का फायदा करने के लिए उपाय करें, ना आपके इस उपाय के माध्यम से किसी को नुकसान पहुंचाए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।